मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। गला ही नहीं
शाह का कटारन में फकत गला ही नहीं, शाह का कटारन में कटे हैं हाथ भी जहरा के कुंद खंजर से, कटे हैं हाथ भी जहरा के कुंद खंजर से, उसे उठाया है बाबा की लाश से ऐसे, उसे उठाया है बाबा की लाश से ऐसे कि फिर सकीना नहीं सोई सिंद्र के डर से, किए हैं सिमर ने धोक़त्ल एक खंजर से। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। गरीब ज़हरा की गुरबत सुनो अहले अज़ा, गरीब ज़हरा की गुरबत सुनो अहले अज़ा, अकेला रह गया मक्तल में जब मेरा मौला, सिपाहे शाम ने चारों तरफ से घेर लिया, लबे फुरात था हर एक खून का प्यासा, था गुल चरागे इमामत अभी बुझाना है, अरे जमी पे जीन से शबीर को गिराना है। ये सुन के संग किसी ने जबीन पर मारा, किसी ने पहलू में बरछी कफल उतार दिया, किसी ने सामने आकर चलाई तेग जफा, गरीब जागर कजी पर संभलना मुश्किल था, अलियो जागर को रन में रुलाया जाता था, अरे हुसैन गिरते नहीं थे गिराया जाता था, लगा जो तीर तो
असगर को शह में याद किया, पुकारा गाजी को जिस वक्त सर पे गुर्ज लगा, लगी जो बरछी तो अकबर को दी तड़प के सदा, तमाचा खूली ने मारा तो बोले या ज़हरा। अली को याद किया सर पे ज़र्ब चलते हुए, हसन को याद किया मुँह से खून गलते हुए, जमीन पे जीन से हजरा जो मुँह के बल्लाए, जो तीर सीने में थे पुश्त से निकल आए, निकल के पहलू से सब बरछियों के फल आए, करार किस तरह अब शह को एक पल आए, रकाबे पैरों से इब्ने अली की छूट गई, नरे तमाम पसलियां सिबते नबी की टूट गई, रकम किया है ये रावी ने दर्द का मंजर, के चलने वाला था जिस दम हुसैन पर खंजर, बहन से आगे खड़ी थी हुसैन की दुख तर, कहा ये शूर से उस दम गरीब ने रोक, मेरी सकीना कहीं दूँ न तोड़ दे जालिम, तू रहम कर मेरे बालों को छोड़ दे जालिम। अजब तरह से सितम गई ये कर रहा था सितम, कभी हुसैन की जुल्फों में हाथ थे बागम, पकड़ के रीशे मुबारक कभी हसा ज़ुल्म, हटाया बालों को खंजर से शिमर ने एकदम, कहा हुसैन ने देखो जरा अली अकबर, लाइन रख दिया जानू हमारे सीने पर, अब इससे आगे तकल्लुम बयान क्या होगा, लगी जो ज़र्बे न निकला लहू का एक कतरा, लाइन गैज में आकर सदा ये देने लगा, हुसैन जल्दी बता मो जिजा ये है कैसा, कहा गरीब ने तू प्यार माँ का क्या जाने, गले पे मेरे गला रख दिया है सगारा ने, गले पे मेरे गला रख दिया है ज़हरा ने, गरीब ज़हरा की गुरबत सुनो ऐ गले अज़ा।
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. روز عاشور دلوں کو کربلا لے کر چلے. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مولا فرماتے ہیں قتیل العبرات مجھے رولا رولا کر مارا گیا. حسین کبھی اکبر کے لاشے پر روئے, کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پر روئے, کبھی یتیم حسن قاسم کی پامال لاش پر روئے, حسین ششواہ علی اصغر پر روئے, حد یہ کہ حسین سکینہ کی یتیمی پر روئے. اب تک عشرہ محرم میں بیان تھا اور اس شہید کا جس کا لاشا حسین لے کر آئے, اب اس کا بیان ہے جس کا لاشا لانے والا کوئی نہیں بچا تھا. حسین رخصت آخر کے لیے خیمہ گاہ میں تشریف لائے. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک بزرگ عالم سے یہ کہا تھا کہ تو میرے بیٹے حسین کے مصائب پڑھتا ہے, سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ کبھی آپ کے حسین کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ جب بھی کوئی شہید اللہ اکبر کا سب سے بڑی مصیبت یہ ہے. حسین کے لیے تیر و تلوار بڑی مصیبت نہیں ہے, حسین کے لیے سب سے سخت موقع وہ تھا جب وہ اپنی بہن زینب سے ودا ہو رہا تھا. حسین خیمے میں تشریف لائے, اپنی خواہر کو آخری سلام کیا. فرمایا اے زینب ام کلثوم میرا آخری سلام, اپنی ازواج کو سلام کیا ہے, او میرا باب ام لیلہ آخری سلام. ایک خیمے میں تشریف لے گئے, خیمہ گاہ دیکھی ہے نا, امام حسین کے خیمے کے بالکل ساتھ مولا زین العابدین کا خیمہ تھا. وہاں تشریف لے گئے, امام زین العابدین غش کے عالم میں تھے, سید سجاد کو بیدار کیا. اللہ اکبر. حسین کے چہرے پر تھوڑے سے مصائب پڑھوں گا میں, آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں تاکہ ہم ایک سفر طے کر سکیں. حسین کے چہرے پر علی اصغر کا خون تھا, حسین کے لباس پر علی اکبر کا خون تھا, کمر ٹوٹی ہوئی تھی عباس کے غم میں. سجاد نے حسین کو دیکھا, بابا اینا عمی العباس, بابا چچا عباس کہاں گئے بابا؟ قد قتل, مار دیے گئے. اینا اخی علی الاکبر, بابا علی اکبر کہاں ہیں؟ قد قتل, مار دیے گئے. حسین نے صبح عاشور عصر عاشور تک, صبح عاشور سے عصر عاشور تک ایک جملے میں پوری داستان بیان کر دی. کہ لیس فی الخیام رجل الا انت وانا, بیٹا اس وقت مردوں میں خیموں میں آپ کے اور میرے علاوہ کوئی نہیں بچا. سجاد کمر تھام کے کھڑے ہوئے, کبھو بھی اما میری تلوار تو لائیے گا, میرا بابا تنہا رہے گا. آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے, حسین تنہا. اللہ اکبر. سید سجاد علیہ السلام کو اسرار امام المتقل فرمائے, کہ بیٹا آپ امام وقت ہیں, کوفہ اور شام کو تم نے فتح کرنا ہے بیٹا, امامت کی امانت منتقل فرمائی. اور اب باہر نکلے حسین, ایک ایک بی بی کو سلام کرتے گئے. ایک خیمے میں کونے میں ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی, سر کے بال سفید, آنکھوں میں آنسو جاری تھے. فرمایا السلام علیکم یا ام فضا, اے میری ماں فضا, آپ پر حسین کا آخری سلام. ابھی حسین چلنا چاہتے تھے کہ ایک چار سال کی بچی نے آ کر حسین کا دامن تھام لیا, کہ بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی. بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. ہاں ماشاءاللہ قدیمی مومن ہے,
या हुसैन कहकर हमें माओ ने अपनी गोदियों में शीर पिलाया है। ए माँ आपका एहसान है मैं फर्श अज़ा पर आज या हुसैन कहने के काबिल। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। अब हुसैन क्या तसल्ली दें, फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बा, सीने पे सुलाएंगी तुम्हें रात में मादर। वो कहती थी सोएंगे कहाँ फिर अली असगर, शह ने कहा बस इतना करो सदक़े में तुम पर, शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ आकर वहीं सोएंगे बीबी। हुसैन दरे खैमा तक पहुँचे, जुलजला नजर आया, अल्लाहु अकबर। उस वक्त मख्तल में फ़िक्रा है, फरमाया या मुस्लिम अबना अकील, वया हानी अबना उरवा, वया हबीब अबना मज़ाहिर, वया मुस्लिम अबना उसजा, वया यहया इबन कसीर, या फुरसान अलहैजा, वया अब्ताल सफ़ा मा लकुम। ए मेरे शेरों क्या हो गया है तुम्हें, मैं तुम्हें पुकारता हूँ जवाब क्यों नहीं देते। फुरात के करीब अब्बास का लाशा तड़प रहा था। जब भी हुसैन सवार होने लगते थे तो कभी अब्बास आते थे कभी अकबर आते थे। अब हुसैन तन्हा थे, ना सरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। हुसैन जुलजना पर सवार हुए, करबला में आज तक ये मकाम मौजूद है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़े थे कि जुलजना रुक गया। हाय 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 हाय, हुसैन की सवारी है। हुसैन ने कहा कि ऐ मेरे हसब बावफा, मुझे मालूम है सुबह से लाशें उठा उठा कर थक गया है, ये आखिरी जहमत है। हुसैन का वादा है वो भी अधूरी जहमत है, तुझे जाना है वापस नहीं आना। अब जो जुलजला ने नजरों की तरह इशारा किया, हुसैन ने देखा कदमों से लिपटी हुई सकीना फरियाद कर रही थी, ऐ मेरे बाबा के जुलजला मेरे बाबा को मक्तल में ना ले जा। हुसैन जुलजना से उतरे, सकीना को प्यार किया। ये जुमला अगर पहुंच पाए तो दिन भर रोने के लिए काफी। हाय हुसैन कहकर, जानते हो क्या ये आखिरी मौका है जब बेटी को बाप का प्यार नसीब हुआ, फिर शिमर के तमाचे थे, फिर हमारे साथ के कोड़। का बाबा हम आपको, क्योंकि जानती है हुसैन के मुकद्दर में शहादत है, कम बाबा हम आपको रोकने के लिए नहीं आए, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। हुसैन ने सकीना को गोद में लिया, आखिरी मर्तबा प्यार करने लगे। सकीना की आँख लग गई, कुछ देर बाद बेदार हुई। कब बाबा आप तशरीफ ले जाइए, बाबा आप तशरीफ ले जाइए। कब बेटिया भेज क्यों रही है। कब बाबा ख्वाब में दादी फातिमा ज़हरा को देखा, दादी कह रही थी ऐ मेरी सकीना मेरे हुसैन को मख्तल जाने से ना रो, इसी वक्त के लिए चक्किया पीस पीस कर अपने हुसैन को पाला था। अच्छा मेरी मातमी भाइयों से गुजारिश है, ये मेरे हाथ जुड़े हुए, थोड़ा सा मुझे पढ़ने देना, मैं कुछ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का मंजर, हाँ अभी बैठे हुए हैं सब बैठे हुए हैं, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जितना हो सकेगा दम में, जब बहते हुए आंसुओं के साथ जंजीर बहे तो फिर उस मातम का एक और ही कैफ है और ही लुत्फ है। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा कबूल फरमाए इंशाल्लाह। हुसैन मख्तल में पहुँचे, जुल्फ़िकार को बेनियाम किया, कहा उसकी जंग देखो जो तीन दिन का भूखा है, उसकी जंग देखो जो तीन दिन का प्यासा है। तुमने मेरे अब्बास को भी मार दिया, तुमने मेरे अकबर को भी मार दिया। लड़ते लड़ते फुरात के करीब पहुंचे, कहा अब्बास बूढ़े भाई की जंग देखी अब्बास। बेपनाह जंग करते जाते थे यजीदी फौज, ये सारे मलून भाग भाग कर पीछे, अल हफीज अल अमान की सदाएं बुलंद थी। बस इम्तिहान पूरा हो गया, हुसैन ने समझा दिया, हुसैन मजलूम ज़रूर है मजबूर नहीं है। हुसैन एक मरतबा आवाज़ कुदरत आई, या तो हन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान वाले हुसैन पलट अपने रब की बारगाह में। हुसैन ने हुक्म खुदा से तलवार को नियाम में रखा, भागी हुई फौजें वापस पलट आईं, फिर कतुन बिर रमा व फिर कतुन बिर सैफ व फिर कतुन बिल हजर, किसी के हाथ में तीर, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में नैजा, जिसके पास कुछ नहीं था उसने करबला की ज़मीन से पत्थर उठा लिया। हुसैन जख्मी होते चले, हुरमला ने सीने पर तीर मारा, हुसैन ने पुश से तीर निकाला, मेरा मौला सबीर करबला पर गिरा। इमाम सबाला फरमाते, मेरा सलाम उस शहीद पर जो न सीन पर था न जमीन पर था। एक मंजिल, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हाँ मुझे मालूम है सारी रात रोते रहे हो,
हाँ रोते रोते खस्तगी भी होती है, लेकिन देखो आज रोज़े आशूर है, हाँ उसके मानने वाले हो। 35 साल मेरा बीमार इमाम रोता रहा, पानी को देखा तो रोए, कहा ये पानी मेरे बाबा को नहीं मिल सका। अच्छा कसाब को देखते थे पूछते थे क्या जानवर को सेवा करते हुए पानी पिलाया? कहते मौला जब तक 3 मरतबा पानी ना पिलाया सेवा नहीं किया। मेरा मौला करबला का रुख करता था, सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, बाबा मदीना के जानवर भी प्यासे सेवा नहीं होते, मेरा अली असगर 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया। बस एक मंजिल वो आई। अच्छा मुझे माफ़ करना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब ज़मीन करबला पर हैं, एक एक मलून का नाम लिखा है किसने क्या जुल्म किया मेरे मौला के साथ। ज़रा नामी एक शख्स आया, उसने मौला की हसली की हड्डी, ये जो गर्दन की हड्डी होती है ना, इस पर वार किया। अनस नामी मलून ने मौला के हलक में नैजा मारा, किसी ने मौला की पोश पर तलवार, किसी ने हुसैन के सर पर पत्थर मारा। एक कैफियत वो आई, शिमरे मलून आया और रफ़ज़हु बिरिज़लिही, उसने हुसैन को ठोकर मारकर सीधा किया। फ़ज़रबतन बिज़रबतन, 13 ज़रबतें हुसैन को लगी, हुसैन से बा होते रहे फातिमा की गोद में। हाय हुसैन कुश्ते शुद, हाय हुसैन कुश्ते शुद, अलाकत को दिल अल हुसैन में करबला, अलाकत सब अल हुसैन में करबला, हुसैन 3 दिल के पास है। आबिदना कभी तोकवा जंजीर भी रोए, Don't say.
मोहर्रम की सुबह हो सब अहले हरम असगरे बेशीर पे रो पे कभी और कभी हम शीर पे रो और जब इसने बिगाड़ ले चुके अब्बा से दिलावर दिल थाम के तन्हाई हम शीर पे रो और पानी जो मिला ग्यारह मोहर्रम की सुबह को सब अहले हरम असगरे बेशीर पे रो Y'all said. Y'all said. Y'all said. Y'all said. Y'all said. Y'all said.
खुतबा जो दिया बिनते अली ने सब लोग मुसलमानों की तकदीर पे रो हम शीर पे रो आजादार अरे जाएगा कमरे खुल्द में हर शय का आजादार दोज़ख हराम उस पर जो शबीर पे रो محمد وآل محمد بن علي صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد.